सीबीएसई 12th बोर्ड 25 की डेट शीट रिलीज हो चुकी है और इस डेट शीट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। आप जेई मेन नीट या जेई एडवांस जिस भी एग्जाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी पॉइंट्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। अब आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारे फैक्टर कोर्सेज और इतने रिसोर्सेज इस चैनल पर आने वाले हैं, डू नॉट मिस इट आउट। सो इमीडिएटली सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एज अवर टेलीग्राम चैनल है t.me/galaxyworld, जहां पे जेई एडवांस की प्रिपरेशन करने वालों के लिए ब्लैक बोर्ड प्रॉब्लम्स वापस से पोस्ट कर दी गई हैं, जेई मेन के स्टूडेंट्स के लिए DPYQ पार्ट टेस्ट पेपर कंप्लीट डाल दिए गए हैं और नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी कमिंग वीक के अंदर सारे पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट DPYQ पेपर्स डाल दिए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं कि इस डेट शीट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अगर एक नजर एग्जाम डेट्स पे डालें तो हम देख सकते हैं 17 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, फिजिक्स इज ऑन 21 फरवरी, केमिस्ट्री 27 फरवरी, मैथ्स 8 मार्च और यहां पे बहुत बड़ा गैप मैथ्स के लिए अवेलेबल है 11 मार्च, इंग्लिश 25 मार्च, बायोलॉजी 29 मार्च, कंप्यूटर साइंस और बीच में 19 मार्च को इकोनॉमिक्स भी है। यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट 11 मार्च को फ्री हो रहे हैं, शायद अब तक की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मार्च के सेकंड वीक आने से पहले पहले यानी 11 मार्च के आसपास ही स्टूडेंट्स फ्री हो जाएंगे, तो उनके पास जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छा डिसेंट टाइम अवेलेबल है। बायो के स्टूडेंट्स के लिए भी नीट के लिए बहुत लंबा टाइम अवेलेबल है क्योंकि बायो में इतना लंबा गैप है, तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी पॉइंट है जहां पे आप बायो को पूरा का पूरा 11th और 12th का रिकवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्रिटिकल अपॉर्चुनिटीज की कि इस डेट शीट से आपकी जेई मेन नीट और जेई एडवांस की प्रिपरेशन को आप कैसे बहुत बड़ा बूस्ट दे सकते हैं, क्योंकि इस डेट शीट से कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, कई सारे स्टूडेंट खुश हैं, लेकिन ये बहुत क्लैरिटी नहीं है कि इस नई डेट शीट का मैक्सिमम एडवांटेज कैसे उठाना है, वही स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले अगर जेई मेन और नीट के एस्पिरेंट्स की बात करें तो आप पूरा का पूरा फोकस अभी ब्लॉक स्ट्रेटजी पर लगा के रखिए, लाखों स्टूडेंट इस ब्लॉक स्ट्रेटजी के साथ ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं, कई स्टूडेंट सेकंड या थर्ड ब्लॉक बना रहे हैं। नीट की ब्लॉक स्ट्रेटजी अभी लास्ट मोमेंट पे यानी दिसंबर में ही काम करती है, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है तो नीट के एस्पिरेंट्स अब ब्लॉक्स के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी हम बात करें तो जेई मेन के एग्जाम की डेट ऑलरेडी आपके सामने है, दैट इज जनवरी एंड। अब यहां पे नीट एस्पिरेंट्स को भी थोड़ा अपने आप को अलाइन करना होगा और अभी से लेके जनवरी मिड यानी अराउंड 15-16 जनवरी तक टारगेट रखिए कि आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को या जेई मेन एस्पिरेंट फिजिक्स केमिस्ट्री को, क्योंकि मैथ्स एनसीईआरटी एक लेवल तक काम करती है, बाकी आपके PYQs काम करेंगे, ब्लॉक्स की ही सीक्वेंस फॉलो करनी है, सिर्फ 12th पे नहीं लगना है, ब्लॉक्स की सीक्वेंस में 11th और 12th की एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड फॉलो कीजिए। अगर आप जेई मेन या नीट में फुल ऑन फुल स्कोर चाहते हैं अलॉन्ग विद द बोर्ड फुल स्कोर, तो आप हमारे चैनल पे सर्च कर लीजिए फिजिक गैलेक्सी, बेस्ट वे टू रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि इस वीडियो से लाखों स्टूडेंट्स अब तक ना सिर्फ बोर्ड में बल्कि जेई मेन नीट में भी फुल ऑन फुल स्कोर तक पहुंच चुके हैं, ये आपको सबसे बड़ा फायदा देने वाला है। और मैक्सिमम पास 3 ईयर्स के PYQs स्टूडेंट, दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन, उनके लिए मैंने कहा था 2024 के जेई मेन के पेपर्स को एज सब्जेक्ट PYQ नहीं करना है, और हमने सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट icxonline.com पे फिजिक गैलेक्सी की सुपर चार्जर टेस्ट सीरीज फॉर्म में डाल दिए हैं, क्योंकि बेस्ट आपके लिए टेस्ट सीरीज 2024 के एक्चुअल पेपर्स ही हैं। स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे 2023 के पेपर्स भी हम डाल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट के लिए कोई भी इरेलेवेंट टेस्ट सीरीज को फॉलो मत करिएगा, कुछ ओपन टेस्ट आई विल अनाउंस दैट यू कैन फोकस अपॉन, रेस्ट फोकस ऑन दीज टू 23 एंड 24 एक्चुअल पेपर्स एज मॉक टेस्ट, क्योंकि उससे बेटर सीरीज आपको नहीं मिल सकती, और इससे पिछले 3 सालों के पेपर्स इनमें इतनी शिफ्ट्स अवेलेबल हैं, अगर आप वो PYQs ब्लॉक्स के साथ करते हैं तो ये मेजर अपॉर्चुनिटी है, डिफाइंड अपॉर्चुनिटी है कि 15 जनवरी या 16 जनवरी तक आप अपने पूरे सिलेबस को रैप अप कर लेंगे। इवन फॉर नीट एस्पिरेंट्स ऑल्सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि मेक अ गोल टू कंप्लीट योर ब्लॉक्स अप टू एंड ऑफ जनवरी, क्योंकि आफ्टर जेई मेन अटेम्प्ट और इवन नीट एस्पिरेंट्स 1 फरवरी से आप टारगेट बना लीजिएगा, नेक्स्ट 8 to 10 days के अंदर आपको फोकस करना है पूरे इंग्लिश के ऊपर, 10 दिन में बड़े आराम से आप 12th बोर्ड के इंग्लिश को फोकस कर सकते हैं। अभी इंग्लिश को फोकस करने से आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे, सो इट इज एडवाइजेबल कि आप इस वक्त अपने पूरे के पूरे NCERT के ऊपर फोकस करें और फरवरी के फर्स्ट 10-12 डेज के अंदर आप कोशिश करें कि आप इंग्लिश को लिफ्ट अप कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में आपके पास गैप कम रहेगा। अब सबसे बड़ी बात करें NCERT के लैब मैनुअल्स, जो आपकी प्रैक्टिकल बुक्स हैं क्लास 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री की, ये दोनों बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है आपके, ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके जेई मेन और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये 11th और 12th के CBSE के प्रैक्टिकल मैनुअल्स हैं, इनको अपनी ब्लॉक्स के साथ जिन जिन टॉपिक्स को कवर करते जा रहे हैं उनके साथ एक शेड्यूल बना लीजिए कि डेली ऑल्टरनेट डेज बेसिस पे एक एक दो दो एक्सपेरिमेंट कवर करने हैं, क्योंकि इन लैब मैनुअल्स के अंदर कई चीज़ें दी गई हैं कि किस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, और जेई मेन नीट में कई बार उन प्रिकॉशंस पे MCQs पूछ लिए जाते हैं जो कोर NCERT टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वक्त जनवरी के अंदर अपने शेड्यूल से चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, 1 फरवरी से पूरा फोकस बोर्ड पर लगा दीजिएगा। नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी
ICX ऑनलाइन के ऊपर हमारी टेस्ट सीरीज आ जाएगी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ होगी और सुपर चार्जर सीरीज. स्टे ट्यून. नीट और जेई दोनों एस्पिरेंट्स के लिए ऑलरेडी हमने माइंड ट्रिगर्स एक्टिव कर दिए हैं. इन माइंड ट्रिगर्स को इमीडिएटली फॉलो करना शुरू कर दीजिए. अनदर अपॉर्चुनिटी जो हमने लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को दी थी और बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स लास्ट ईयर लगभग 38,000 स्टूडेंट्स ने उसे फॉलो किया एंड दे गेट इमेंस बेनिफिट इज अ डेली टेस्ट सीरीज. वो फिर से ICX ऑनलाइन के ऊपर आने वाली है सभी स्टूडेंट के लिए. अगेन आई वुड से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी. फजल गैलेक्सी की चीजें अभी कुछ भी पेड नहीं है. आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही फॉलो करिए एंड दिस इज एन एडवांटेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स की डेली टेस्ट सीरीज जो आपके सामने आएगी या जो हमारे अभी ऑनलाइन कोर्सेज आएंगे. शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं लेकिन आपको बहुत लॉन्ग टर्म फाइनल जब तक आप एग्जाम नहीं देते तब तक वो बेनिफिट देने वाले हैं. जेई एडवांस के स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, एनसीईआरटी को इग्नोर करके चलते हैं. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स. आने वाला जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है इसमें बिफोर जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन के साथ एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड फॉलो कीजिए और जेई मेन में फुल स्कोर की कोशिश कीजिए. क्योंकि जेई एडवांस का पेपर पिछले 3 सालों से इस तरह से बनाया जाने लगा है कि आप जेई मेन में फुल स्कोर के पास हैं तो जेई एडवांस में काफ़ी एडवांटेज होती है. कैसे होती है इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि जेई एडवांस के पेपर का 2025 पैटर्न किस तरह से डिजाइन किया जा सकता है बिकॉज IIT कानपुर इज ऑर्गेनाइजिंग एंड मेजर फोकस आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट जो ये बोर्ड की डेट शीट दी गई इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं और जो शेड्यूल मैंने आपको बताया ये 3-4 मेजर एडवांटेजेस अपने शेड्यूल में इन्फ्यूज कर लीजिए. जेई मेन नीट एस्पिरेंट्स फुल्ली फोकस अपॉन द ब्लॉक स्ट्रेटजी ऑफ जेई मेन एंड नीट. जेई एडवांस ब्लॉक स्ट्रेटजी इज गोइंग टू कम अप वेरी सून जिसके साथ आप अपने जेई एडवांस को भी स्टेप बाय स्टेप लिफ्ट कर सकते हैं. स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल. विश यू ऑल द बेस्ट.